पूरे विश्व में कई ऐसी जगह हैं जहां प्लेन को उड़ाना अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है। इसकी सबसे खास वजह है वहां के खतरनाक एयरपोर्ट्स। पहाड़ी इलाके, बर्फीले क्षेत्र और पानी वाली जगहों पर बने एयरपोर्ट्स पर प्लेन को लैंड और टेक ऑफ करना पायलट्स के लिए एक खतरनाक चुनौती से कम नहीं होता। तो आइए दोस्तों जानते हैं ऐसे ही कुछ खतरनाक एयरपोर्ट्स के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले ऐसी ही अनोखी जानकारियों के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर एक, प्रिंसेस जूलियाना एयरपोर्ट। दोस्तों, उस समय आपको कैसा महसूस होगा जब कोई हवाई जहाज बिल्कुल आपके सर के ऊपर से गुजर जाए? तो ये अनुभव प्रिंसेस जूलियाना एयरपोर्ट पर आप ले सकते हैं। लेकिन ये एयरपोर्ट बीच के बीचों बीच बना हुआ है, जिस वजह से लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त प्लेन बिल्कुल आपके नजदीक से होकर गुजरता है। नंबर दो, जिब्राल्टर एयरपोर्ट। दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां प्लेन गाड़ियों के बीच से होकर निकल जाता है, क्योंकि इस एयरपोर्ट का रनवे सड़कों के बीच बनाया गया है। कई बार तो यहां से गुजरने वाला हवाई जहाज गाड़ियों से टकरा कर भी जाता है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट कहा जाता है। नंबर तीन, मैकमर्डो एयरपोर्ट। अटलांटा की सबसे खतरनाक ठंडी जगह पर मौजूद इस एयरपोर्ट पर खतरा महसूस होने के यही कारण है कि ज्यादा ठंड होने की वजह से कई बार इस एयरपोर्ट का रनवे ढक जाता है, जिस कारण यहां लैंडिंग करते समय पायलट को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। नंबर चार, साबा एयरपोर्ट। नीदरलैंड के एक छोटे से टापू पर बना ये एयरपोर्ट भी कहीं खतरे से खाली नहीं है। इस एयरपोर्ट के ट्रैक की लंबाई ही यहां के खतरे का मुख्य केंद्र है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत छोटी है। अगर पायलट ने सही समय पर टेक ऑफ नहीं किया तो प्लेन सीधा समुद्र में जा गिरेगा। और आखिर में अगाथी एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है। इस रनवे का साइज छोटा होने के कारण यहाँ सिर्फ छोटे प्लेन ही लैंडिंग कर सकते हैं। अगर पायलट एक छोटी सी भी भूल करेगा तो प्लेन में बैठे लोगों को भगवान ही बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी एयरपोर्ट्स में से आपको सबसे खतरनाक एयरपोर्ट कौन सा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ना। और इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।